दोस्तों, आपने शेर की दहाड़ और बाघ के झपट के बारे में तो बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली है और किसकी स्किल बेहतर है? वीडियो के लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा दें। क्या हो अगर शेर और बाघ आमने सामने आ जाएं? कौन किसके सामने कितना देर टिक पाएगा? तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहें। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया के बंगाल टाइगर की और अफ्रीकन लायन की, ताकि मुकाबला बराबरी का हो। अब हम शेर और बाघ को एक बंद जगह पर छोड़ देते हैं, क्योंकि शेर बहुत ही डोमिनेटिंग होता है और ये अपने बब्बर के जोर पर बाघ की तरफ लपकेगा। लेकिन बाघ भी कम नहीं, बाघ की पंचिंग स्किल शेर के मुकाबले कहीं बेहतर होती है। दोनों की लंबी लड़ाई के बाद ज्यादातर हमको देखने को यही मिलता है कि शेर अक्सर बाघ से हार जाता है और अपनी जान गंवा बैठता है। अब आपके दिलो दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि हमने तो बचपन से सुना है कि शेर जंगल का राजा होता है और सभी जानवर उससे डरते हैं, तो फिर बाघ एक शेर को कैसे हरा सकता है? आइए यहाँ पर हम दोनों की तुलना एक दूसरे से करते हैं, तभी हम जान पाएंगे। दोस्तों, शेर और बाघ दोनों ही कैट फैमिली की बड़ी बिल्लियां होती हैं। अफ्रीकन शेर का वजन 225 किलोग्राम तक हो सकता है, वहीं बंगाल रॉयल टाइगर का वजन भी 200 से 220 किलोग्राम तक हो सकता है। अब बात करते हैं इनके आगे के दांत, जिसे कैनाइन कहा जाता है। शेर के कैनाइन 7 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं, वहीं बाघ के कैनाइन 8 सेंटीमीटर तक होते हैं। जहाँ शेर का बाइट फोर्स 650 psi तक होता है, वहीं टाइगर का बाइट फोर्स 1050 बाइट फोर्स होता है, जो शेर के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अगर बात करें इनकी स्पीड की, तो शेर यहाँ पर बाघ से थोड़ा आगे है। शेर 75 से 80 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से दौड़ सकता है, वहीं बाघ 49 से 65 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से दौड़ता है। बाघ कैट फैमिली की सबसे बड़ी बिल्ली मानी जाती है, वहीं शेर कैट फैमिली की सेकेंड बिल्ली के रूप में जाना जाता है। लेकिन रुकिए, अब आप ये ना सोच बैठिएगा कि शेर जंगल का राजा नहीं है। इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ शेर गए हैं, बाघों को वहाँ से भागना पड़ा है। शेर बहुत ही सोशल प्राणी होता है, वो एक झुंड में रहते हैं, झुंड ही उनका परिवार होता है, जबकि बाघ अकेले रहना पसंद करता है। किसी बाघ को एक शेर से लड़ना यानी उसके पूरे झुंड से लड़ने के बराबर होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाघ इतने ताकतवर होने के बावजूद जंगल का राजा क्यों नहीं है, तो इसका जवाब ये है कि शेर एक झुंड में रहते हैं और ये झुंड इतना शक्तिशाली होता है कि किसी भी बाघ को खदेड़ने के लिए काफी होता है। शेर जब दहाड़ता है तो उसकी आवाज 5 मील तक सुनी जाती है, जबकि बाघ के दहाड़ने की आवाज सिर्फ 3 मील तक ही सुनी जा सकती है। शेर बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं, वो अपने इलाके में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो बाघ हो या फिर कोई और जानवर। इसलिए जंगल में राज शेर का ही चलता है और उसे जंगल का राजा कहते हैं। दोस्तों, आई होप आप समझ चुके होंगे कि शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे।